का ऐसा पहला एक्सप्रेस वे है जिसके अंदर भाई साहब फाइटर जेट्स भी लैंड हो सकते हैं, तो देख लेंगे। एक थोड़ी देर ठंडा होने दे कि पता चल जाए। हाँ, क्या हुआ गाड़ी में, क्या हुआ? इंजन सीज हो गया। हम लोगों ने प्रभु श्री राम के जो है दर्शन तो कर ले और अब हमारा समय आ चुका है यहाँ से वापस जाने का। हम लोग वापस निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ना ऐसा कुछ नज़ारा है शाम के, भाई दो बज चुके हैं। तो भाई शाम के ना दो बज चुके हैं, आप जा कर एंट्रीज है वो ओपन हुई है कि अब हम लोग ना बाइक लेके जा सकते हैं। जितना भी VIP जो मूवमेंट था ना वो थोड़ा बहुत तो कम हो चुका है, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। देखो कहाँ पहुँचते भाई, वो तो वक्त ही बताएगा। कि प्लानिंग तो ये कर रहे कि लखनऊ से थोड़ा आगे निकल जाएँ, पर अगर लखनऊ ही रुकना पड़ जाएगा तो भाई क्या ही बोला जा सकता है, कुछ पता चलेगा जो भी होगा वो तो आपको वीडियो के एंड में। तो एक काम करते हैं सीधा यहाँ से बाइक को अपनी मैं कोल्ड स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपनी बाइक को तो कोल्ड स्टार्ट नहीं करा है, तो बस कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपको सीधा मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे। तो देखना कितने सारे बच्चे आ गए हैं, बाय बाय करने। बाय बाय भाइयो, बाय। तो यहाँ हम लोग रुके हुए थे आनंद पेइंग गेस्ट हाउस पे। भाई जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। अगर आप आ रहे हो ना ग्रुप में, अगर कोई आने वाला है ना तो आप आ सकते हो। और देखो ये है हमारा छोटू भाई जिनके नाम पे ये पेइंग हाउस रखा हुआ है। चलो भाई अनंत भाई मिलते हैं जल्दी, अगली बार आएंगे आपसे मिलेंगे, है ना। तो भाई आंटी जी, तो भाई अगर आप लोग आ रहे हो ना यहाँ पर एक बार आके ना प्रॉपर्टी चेकआउट जरूर करना। अगर आप लोग कोई ग्रुप में आ रहा है तो आपको बहुत ही अच्छे और रीजनेबल प्राइस में ना ये जो प्रॉपर्टी पूरी मिलने वाली, ये जो है ना पूरा घर आप लोगों के लिए होने वाला है। एक फ्लोर ऊपर अगर आप लोग कोई आ रहा है तो पूरी जो फैमिली है वो अलग रहती है और जो होटल रूम है ना वो बिल्कुल अलग बना है। ओके भाई आंटी जी, भाई अनंत, भाई अंकल जी, तो हमारा छोटू भाई है ना अनंत, इसके नाम पे एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। भाई इसमें ना क्या खास रहता हूँ क्या है कि भाई जी यहाँ पर चाय भी आपको अवेलेबल हो जाती है, अगर आप थोड़ी और बोलोगे तो आपको खाना भी मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। बाय बाय मेरे भाई हो। चलो तो क्या क्या नाम है आप लोगों के सबके, क्या क्या नाम है? अरमान, सलमान। अरे वाह भाई, क्या अज्जू कौन है? अच्छा चलो ठीक है, तो बाय है ना, मिलेंगे अगली बार। चलो बाय 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 बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। वीडियो देखना आप लोग आओगे तब। क्या नाम है चैनल का? टचिंग माइल्स। चलो बाय है ना, बाय। तो भाई देख सकते हो ना हर जगह उत्साह का माहौल हो रखा है, बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जी भाई जी। जय श्री राम भाई जी, कहाँ चले? सूरत। जय सूरत से आ रखे हो, क्या बात है, दर्शन हुए? अभी जा रहे हैं। कब आए, पहुँचे कब हो? आज पहुँचने वाले। अच्छा आज पहुँचे हो अभी? अरे उधर भाई ट्रेन आए हो, ट्रेन से गाड़ी द्वारका तक पैदल तक। चलिए भैया जी जय श्री राम, है ना जी, मिलते हैं आराम से। मैं टचिंग माइल्स नाम से भाई जी, देखो ये लिखा था साइड में। भाई हम लोग आज का पेट्रोल पंप और लखनऊ जाने से पहले ना टंकी करवा देते हैं एक बार फुल। जी भाई जी बिल्कुल जीरो कर दीजिए। भाई पुलिस वालों ने हमें ना हमारे से बात करके ना हमें पुलिस वालों ने ना खाना भी दिया है। तो भाई अभी आपको ना खाना दिखाते हैं, यहीं बैठे हम लोग खाना खाने वाले हैं और फिर निकलेंगे अपने लखनऊ के लिए। पहले सोचा था बीच में रास्ते में कहीं भंडारा मिल जाएगा तो पेट पूजन कर लेंगे। भाई और कर देना डालो। भाई जी देखो जैसे बताया था ना पुलिस वालों ने हमें खाना भेजा है, तो भाई देखो ये कुछ थाली है, नवरत्न थाली जो है पुलिस वालों ने हमें दी है। हमसे बातचीत करके शायद उनको अच्छा लगा है जो भी था, पर हमने तो भाई प्रभु श्री राम का प्रसाद समझ के हमने ग्रहण कर लिया है। और जैसे ही हम लोग पहले तो प्रसाद तो खाया था, प्रभु श्री राम का जो भोग लगा हुआ था, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई वाली वीडियो देखना, बहुत ही आनंद में है जो वीडियो थी वो वाली वीडियो थी। और पूरी सीरीज़ को ना अपना ऐसे ही प्यार बरसाए रखना। तो यार खाना खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो भाई खाना भी खा लिया, इतना स्वादिष्ट खाना था ना यूपी पुलिस ने हमें दिया, हाय हाय मतलब दिल खुश हो गया। पेट्रोल भी डल चुका है, खाना भी खा चुके हैं और पानी भी पी चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा लखनऊ के लिए और बाइक लगा सीधा लखनऊ। और भाई बीच रस्ते पर ना पूरा ना महफिल जम रखी है, सारा जो इतना भी कॉन्वॉय है ना VIP का वो सारा रोड पर जा रहा है। तो आई थिंक वो भी हमें को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ अयोध्या सिटी से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो आई थिंक सब लोग जो है जितने भी लोग हैं सब वहीं जा रहे होंगे। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं रोड्स पे।
तो जी पहला टोल अपने आज के दिन का हमें मिल चुका है अयोध्या लखनऊ रोड पे। अराउंड हमने कुछ 40-50 किलोमीटर करीब हमने बाइक चला ली है और भाई रोड ना भाई इतनी खाली है जिसकी कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है हम ही लोग चल रहे हो, इक्का दुक्का कुछ गाड़ियां हैं तो है। तो भाई देखते हो सूरज है वहां पे और वो भी ना धीरे धीरे डूबने लग गया है, तो आप समझ सकते हो ठंड जो है ना थोड़ी थोड़ी से बढ़ने जो है वो चालू हो गई है। तो भाई मैंने ज़्यादा कपड़े पहने नहीं थे, अब देखते हैं भाई ठंड झेलनी पड़ेगी लखनऊ तक तो मुझे। फिर जब रूम से निकले थे ना तो मौसम गर्म ही था, तो मैंने कहा क्या ही ज़्यादा कुछ पहनना, तो बस यही सोच के मैंने अपना जो राइडिंग जैकेट का जो थर्मल लेयर है वो नहीं पहनी थी। बट अब लग रहा है कि गलती कर दी, थोड़ी पहन ही लेनी चाहिए थी। जी आज के दिन का दूसरा टोल आ चुका है, अभी हम पहुंच चुके हैं अहमदपुर। तो जी कहीं यूपी में हम पहुंच चुके हैं, अहमदपुर नाम की जगह है। 100 किलोमीटर प्लस हम लोग ने ड्राइव अपने कर लिए अभी तक, तो भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोड बिल्कुल ही खाली है। जो दिल्ली है ना, दिल्ली भाई जी यहाँ से 530 किलोमीटर दूर है। ओहो भाई ट्रैक्टर में क्या जा रहा है, आई थिंक पैदल यात्रा कुछ निकल रही हो, श्री राम मंदिर के जो बैनर तो लगा हुआ है। अरे आगे चाय वाय देख ले कहीं, तो हाँ भाई मैं चाय पी रहे थे थोड़ा। चाय मुझे अभी तक कुछ खुला नहीं मिला, चाय पानी कुछ नहीं मिला, बस बीच में भंडारे। हाँ भंडारे तो एक से एक हो रहे हैं भाई। मैं सोच देखता हूँ आराम, मैंने कहा बाइक वाला मिल जाए चेक कराऊंगा, तेल है इसमें पूरा नहीं है भाई, ऑयल दिखता नहीं है बाहर से, वो कैप से निकाल के देखना पड़ेगा ना, ये खोल के देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते, थोड़ा आगे देखेंगे चाय वाय का। तो जी आगे चलते हैं चाय की दुकान पे, कोई ढाबा देखते हैं, ढाबा खुला हो तो कहीं चाय पी लेंगे, वरना तो भाई कहीं भंडारा हो रहा है भंडारा में चाय पी लेंगे। नहीं खाना तो मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, चाय पियेंगे ना भंडारा में रुक के खाली। वो तो मैं लग भी गया था जब मैं यहाँ पे हॉर्न नहीं मारा, मैंने कहा कौन से एक ही स्पीड में बाइक चल रही है, एक बार हॉर्न मार के देख लूं। मैंने कान में फोन लगा रखा था, बात कर रहा था फोन से। अच्छा लेकिन जब तुम दूर दूर तक था नहीं था, तुम मेरे को हाँ मारता एक जगह ट्रॉली में घुस गया था। मुझे भी एक बार आई थी हल्की उबासी थी, मैंने कहा यार, फिर मैंने गाने गाने लग गया। तो चले चलते हैं आगे और देखते हैं भाई यार कोई ढाबा वाबा मिल जाए खुला हुआ ना, तो कुछ चाय शाय पी लेंगे। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो भाई नीचे चलते हैं पीते चाय लगाते हैं। भाई यार एक ग्लास चाय कर देना यार। नाम का है? हाँ और ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी? चलो फिर तो अच्छी बात है, कर दे यार। पहले एक कर दीजिए, बाकी लोग आ गए साथ ही तो उनको ही पिला देंगे, बाकी हम तो पी ही लेते हैं। हाय हाय ओ भाजी बहुत ठंड हो रखी यार। अरे भाजी गर्म है ना भाजी चाय? अरे बिल्कुल भाजी, आप आ रहे हो, आप आओगे वीडियो में भी यूट्यूब में भी। तो जी हम लोग पी लेते हैं। यार एक गिलास चाय पी के देखना क्या हाल हो गया यार, अंधेरा हो गया पूरा भाई और टाइम भी 6:30 बज गए। कहाँ सोचा था 5-5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे और भाई 6:30 बज गए, मतलब कहीं रुकते हैं ना रास्ते पे तो भाई आधा पौना घंटा तो कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तरीके से ना लखनऊ में ना भाई देख सकते हो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाया जा रहा है भाई, बम पटाखे फूट रहे हर जगह जगह पे। क्या शानदार नज़ारे आ रहे हैं यार, और लखनऊ को जो सजा रखा है वो तो ऐसा सजा रखा है जिसकी कोई बात बयान ही नहीं करा जा सकता। देखो यहाँ पर मटके में स्वास्तिक चिन्ह बना रखा है, इस साइड में दिवाली जैसे दिए जला रखे हैं, लाइटों पे पोल्स पे पूरी लाइटें हो रखी है। अरे वाह क्या ही शानदार जो नज़ारे हो रखे हैं पूरी लखनऊ के। नए दिन एक और नई शुरुआत, आ गए हैं हम लोग लखनऊ मेरे यार। तो जी क्या बात क्या बात क्या बात, अगर आप लोग
इस वीडियो में हो तो आपको पता होगा हम लोग कल शाम को 3:30 बजे करीब अयोध्या से निकल गए थे और पहुंच गए थे रात को 6:30-7 बजे तक लखनऊ। और हमने लखनऊ में वहीं पर ही स्टे लिया था जहां पर हम लोग पहले दिन में रुके थे, होटल द नाइट इन करके। रूम अगर आपको चाहिए सस्ते रूम, अच्छे रूम, सब कुछ अच्छा है, अब चाहो तो भाई चेक इन कर सकते हो। तो डे वन में आपको जाके उसकी लोकेशन मिल जाएगी, तो आप लोग लोकेशन देख लेना। तो भाई पेट पूजा भी अपनी हो चुकी है, यहाँ रुके हुए थे इन फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा पे। भाई खाना खा ले भी हमने ना प्लान कराया कि हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होते हुए जाने वाले हैं। कानपुर वाला रास्ता नहीं ले रहे क्योंकि कानपुर वाला रास्ते में ना थोड़ा बहुत ट्रैफिक ज़्यादा मिलने वाला है और लखनऊ एक्सप्रेस वे में ना ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैंने इस टाइम पर रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो थोड़ा साइड भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, हाँ क्यों, लखनऊ एक्सप्रेस वे में ना हमें कुछ भी खाने पीने की कुछ भी चीज़ मिलने वाली नहीं है 120 किलोमीटर तक में। तो हमने कहा कुछ पहले ही खा लेते हैं, थोड़ी चाय पी ली, हमने कुछ खाना खा के निकले नहीं थे होटल से, तो चाय भी पी लिया, खाना भी खा लिया। और टाइम जो है ना यार 11:40 हो चुके, पर सही है, मैं निकल रहे तो अच्छी बात है, आज निकल जाएंगे, घर पहुँच जाएंगे। देखो शायद थोड़ा लेट नाइट पहुँचे, पर जैसे भी होगा आप लोगों को तो पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक में, तो वीडियो में बने रहना। अभी अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पहले टोल पे और यहाँ से हम लोग पर्ची कटवाएंगे, अरे स्लिप कटवाएंगे 315 रुपये की, और सीधा पहुँच जाएंगे आगरा, क्योंकि हमने कहीं और बीच में कहीं हमने एग्जिट करना नहीं है, तो हमने डायरेक्ट आगरा पहुँचा। तो अब एक ही बार स्लिप कटवाएंगे 315 रुपये की और सीधा पहुँच जाएंगे आगरा। और आपको पता है क्या, ऐसा पहला एक्सप्रेस वे है जिसके अंदर भाई साहब फाइटर जेट्स भी लैंड हो सकते हैं। तो अभी जो फाइटर जेट्स की स्ट्रिप है ना, मतलब स्ट्रिप यानी रोड होती है, जो रोड है ना मैं आपको वो दिखाऊंगा आगे चल के कि वो भी कैसी बनी हुई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। यार मौसम देख रहे हो कैसा हो रखा है, 12:30 होने वाले हैं, धूप है, हल्की फुल्की धूप आ रही है, बाकी तो मौसम बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है कोहरे वाला, अच्छा खासा कोहरा हो रखा है रोडों पे। भाई ठंड भी ज़्यादा लग रही है, कोहरा है तो ठंड तो लगनी लगनी है, बिल्कुल जाहिर बात है, वरना पूरी बॉडी के अंदर जहाँ से हल्का ओपन एरिया है ना भाई जी ठंड घुस जा रही है पूरी शरीर के अंदर। ऐसे मैं आपको बताता ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के ऊपर एक एयरपोर्ट स्ट्रिप है, तो भाई देखो ये है वो एयरपोर्ट स्ट्रिप, अगर इमरजेंसी में किसी को भी यहाँ पर एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को कुछ फोर्स कहीं भेजनी है, डिप्लॉय करनी है इमरजेंसी केसेस पे, तो भाई ये वाला जो है एक्सप्रेस वे है ना इसको ये एज अ एयर स्ट्रिप की तरह यूज़ कर सकते हैं। एयर स्ट्रिप यानी वहाँ पर जहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर छोटे से छोटा एयरक्राफ्ट है और बड़े से बड़ा बोइंग C-32 जो है ना वो भी लैंड कर सकता है, जो सामान और कार जो सप्लाई जो है वो लेके आता है। तो उसमें क्या होगा ना, ये जितने भी बैरिकेड लगे हुए डिवाइडर से इन सबको हटा के साइड कर दिया जाएगा और ये पूरा एक लंबा 2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप हो जाएगा। भाई ये ऐसा क्यों है सब इतना खाली वाइड रखा है कि यहाँ पर से जो क्राफ्ट है ना एयरक्राफ्ट को घूमने की पूरी टर्निंग का ना एरिया दे रखा है कि यहाँ पर से आके टर्न कर सकता है, ऐसे थोड़ी कि रास्ते में घूमते खड़े खड़े ऐसे जैसे हमारी बाइक घूमती है ऐसे घूम जाएगा, नहीं उसको पूरा एक टर्न करने का पूरा एक एरिया चाहिए होता है, तो उसके लिए ऐसा एरिया दोनों साइड बना रखा है, इस साइड भी और उस साइड भी है। भाई जी 210 किलोमीटर की बिल्कुल ठंड वाली राइड करके ना हालत ख़राब हो गई, जस्ट एक फूड कोर्ट में आके रुके। भाई मैं तो आते से पहले चाय ले ली, मैंने कहा आपसे बात तो बाद में करूँगा, सबसे पहले चाय ले लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। भाई सूरज देवता तो दिखे ही नहीं है कम से कम 150 किलोमीटर से, जो लास्ट एयर स्ट्रिप वाली जो राइड साइड थी ना वहीं पर दिखे थे, उसके बाद सूरज देवता के नामो निशान नहीं है, खाली सिर्फ और सिर्फ कोहरे में बाइक चलाई है और ठंड में बहुत ज़्यादा। चीयर्स। भाई देखो बाकी सब लोग वहाँ बैठे पड़े हैं, हाँ मैं आगे आप लोगों से पहले यहाँ बात करने के लिए, इतनी ज़्यादा है ना कि मन तो कर रहा है इसके ऊपर एक और जैकेट है वो भी पहन लूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, और 2:30 बज चुके और ठंड बढ़ती जाएगी, अब तो जैकेट निकाल लेंगे वापस जाते वक्त। हम लोग पहुँच गए आगरा, न्यू रिस्टार्ट, बिल्कुल भाई बाइक होगी डेड। और तुम्हें कंटेंट मिल गया? बिल्कुल मिल गया भाई जी, तुम्हारा धक्का मारते हुए कंटेंट ये, मैं तुम्हें धक्का मार रहा हूँ। तो भाई देख रहे हो हमारे विक्की भाई लगे पड़े हैं धक्का मारने में,
देख रहे बैग में क्या हुआ है, कुछ हो पाए तो देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। इंजन वाले तो ऐसे पड़ा हुआ है, इंजन की प्रॉब्लम होगी ना, इंजन में डाल देंगे बाइक में, देख लेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने दे, पता चल जाए। क्या हुआ गाड़ी में, क्या हुआ इंजन से? तो भाई देखो ऐसे होते हैं यहाँ पर, देखो लोग यहाँ पर बाइक तो मैकेनिक के हाथ छोड़ दिया है, यहाँ अंदर अपना व्लॉगिंग करने में लगे पड़े हैं सब लोग। क्या कह रहा और ये देखो स्टार्टिंग के लिए बनाता हूं। अभी ये देखो दस बार डायलॉग मार चुका हूँ तो भाई क्या हो गया ये देखो ये देखो फेक फेक डाल दिया था ये डाला था मॉड्यूल का तो भी स्टार्ट नहीं हुई, किक जो है वो फ्री हो चुकी है भाई, देखिए वो कितनी ऑस पड़ रही है भाई। टेम्पर भी ने थोड़ा टाइट कर दिया, एक बार और सेल्फ मार के देखते हैं। अरे 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 हुई कुछ कुछ तो हुआ कुछ तो हुआ जय श्री राम जी। हो जाए ये जाम हो गई कि नहीं हो रही भाई, बिल्कुल नहीं हो रही। क्लच दबा के देख, क्लच दबा के देख, इस बार देखियो ना, क्लच दबा के भी नहीं जा रही नीचे, फंस गया कुछ है? गया हो गई, सत्यानाश हो गया। बाइक जो है ना वो हमारी ठीक तो हुई नहीं है, पर हम लोग ना आज ना जो हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है जो आगरा साइड की तरफ टोल है ना, तो ये वाला टोल है और हम लोग ना यहीं रुक रहे हैं। ये एक बिल्डिंग है, हमें पता चला है कि यहाँ पर आप रुक सकते हो भाई। अगर आपके साथ भी कोई इमरजेंसी कभी केसेस में आगे इन फ्यूचर होता है ना, तो आप भी एक्सप्रेस वे में साइड में रुक सकते हो। तो भाई हमारे ने भी ना यहीं रुके हुए हैं और बाइक हमने लपकी वहाँ लगा दी है साइड में, और अभी हम लोग अपनी बाइक भी लेके यहाँ से इधर ही आ जाते हैं और फिर आज हम लोग यहीं रुकेंगे। क्योंकि देखो अभी रात के टाइम पे धक्का मारना बाइक में सही नहीं है, क्योंकि हमें आगरा में भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जितने ही मकैनिक सारे बंद हो जाएंगे। तो हम लोग सोचा यहाँ से सुबह ही लेके जाएंगे, क्योंकि यार रात के टाइम पे थोड़ा हाईवे में धक्का मारना थोड़ा दिक्कत है, आपको पता है रोड्स का थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, डे नाइट लाइट होती है तो कुछ दिखता है नहीं रोडों पर। तो अर्ली मॉर्निंग जब सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो हमें डे लाइट मिलेगी, तो सबको विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, तो हम लोग तब फिर अब सुबह ही निकलेंगे। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, आज हम लोग घर तो पहुंच नहीं पाए क्योंकि जो लव की थी बाइक ख़राब हो गई थी। और ये बीच बीच ऊपर जो रोड देखते हो ना, ये है अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और हम लोग ना नीचे उतर गए, यहाँ आ रखे हैं ढाबे में खाना खाने के लिए। बिल्कुल प्रॉपर जो होता है ना जहाँ पर ट्रक वाले खाना खाते हैं, बिल्कुल उसी ढाबे खाने में कुछ मन था हमारा, और भाई देखो वही हमारी किस्मत पूरी भी हो गई और हम लोग आ चुके हैं ढाबे पर। देखो भाई जो खाट लगी पड़ी हुई होता ना, पुराने वाले ढाबे नहीं आते थे, क्योंकि खाट लगी पड़ी है, आराम से ढंग से बैठो, खाओ आराम से बैठ के। हमने खाने से लगा लिया, अरे हाँ तखत ही है भाई, चौकी में चलो भाई जी। तो भाई हमने चौकी में बैठ के आराम से खाना खाया जाएगा, ऐसा कुछ सेट है भैया का बिल्कुल पुराना ऑथेंटिक वाला। और भाई जी हमारे यहाँ पे प्याज काट रहे हैं। अरे भाई तो हमारे भाई दूध, अभी हमने दूध पीने नहीं बोला, अभी हमने दूध पीने के लिए नहीं बोला। तो बस थोड़ी ऐसी हंसी मजाक जो हमारा चल रहा है वो तो हमारा चलते ही रहेगा, आप लोगों को पता ही है। ये रोटी देख रहे हो कितनी, देखो भाई कितनी बड़ी जो रोटियां आ रही है। और देखो भाई आपको हरी मिर्च देखो पहले यार, ये देखो जी ये वाली सलाद, हरी मिर्च देखो भाई, मिर्च नहीं मिर्चा है ये, मिर्चों के पापा दादा नाना सब हैं ये, वही तो तीखी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो भाई खाने में ना मज़ा आने वाला, और जो भर पेट खाना है जितनी रोटी खाओ उतनी रोटी मिलेगी, ऐसा नहीं है चार रोटी के बाद खाना बंद जो है। तो भाई बस खाना लगा दो, दो रोटी भी नहीं खा, रोटियां दो भी नहीं खा पाएगा ना यार, तीन तो खा ही लेंगे। अरे एक के बाद मैं नहीं खा पाऊंगा तू। अच्छा जी चलो जी देखे, हाँ तो फिर खाने के कॉम्पिटिशन हो जाएगा कौन कितनी रोटी खा रहा है। भाई देखो बस सामान देखो सच तो कर, खाना आना रह गया है, बस आते हैं और खाते हैं भैया हल्की मूली। तो भाई हम लोग अपना कैंप भी लगा लिया है, हम लोग रुक कर रहे हैं, फिर वो दिखाता हूँ। ये जो है ना आगरा एक्सप्रेस वे के साथ में ना एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली वेटिंग एरिया है, अगर आप कोई आ रहा है इमरजेंसी में कुछ फंस जाता है तो यहाँ आके रह सकता है। तो हमने ना और यहाँ पर देख सकते हैं वॉशरूम भी बना हुआ है जेंट्स लेडीज़, तो सब कुछ चीज़ मिलने वाली है। और हमने अपना क्या साइड में लगा लिया है और यहीं पर हम लोग आते लोग हम लोग सोने वाले हैं। तो ये हमारे स्लीपिंग बैग वगैरह सब, और कुछ लोग तो अभी सो चुके हैं यहाँ पे, और कुछ लोग जो है वो सो रहे हैं क्योंकि इन लोगों की ना ड्यूटी है रात के 12 बजे की, तो यहाँ पर टोल पे काम करता है बेसिकली ये लोग, यहीं पर ये लोगों का रुकने का है और सब हम सब लोगों के लिए भी रुकने का है। तो खाना भी हो गया हम लोगों का,
और हम लोग बस घुसेंगे अब अपने टेंट के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ। भाई आज तो हमारी ना बैंड ही बज गई, थोड़ी रील सी लग गई, पर कोई नहीं, वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई अच्छा ही हुआ कि हमें इतना प्यारा खाना भी मिल गया और हमें एक नई इन्फॉर्मेशन ही मिल गई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो चलो बाय बाय।